तो कल बात हो चुकी थी जब वस्तु अनंत पर रखी हो। हेड में लगा पहले तू आओ तल दर्पण प्रतिबिंब का बनना, ठीक है? तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इमेज वाई कॉनकेव कॉनकेव मेरा, ठीक है? कॉनकेव मेरा हमारी देख ले सही आ रहा है सर, किसी हाइट का मैं ठीक है। तो कल बात हो रही थी जब वस्तु अनंत पर रखी हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है? तो चलो एड लगे हैं, तो और एक दर्पण बना लेते हैं फटाफट से। एक अवतल दर्पण, ये कोई कॉन्केव मिरर है। जब हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर ही बनाना पड़ेगा ना। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर मिरर, ठीक है? यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जब वस्तु अनंत अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो, है ना? बीच रखी हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड द किसके बीच वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? कर्वेचर यानी कि इसको जब वस्तु तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? चलो तो एक मुख्य अक्ष डाल लेते हैं। कहां पे डाले हैं? आप डाले प्रिंसिपल एक्सिस, स्क्वायर ऑफ एक्सिस मुख्य, ठीक है? इसका ये ध्रुव पी जैसे बोलते हैं पोल, ठीक है भाई? और यहाँ पे कर लेते हैं हम अपना सेंटर, और यहाँ कर लेते हैं क्या फोकस, ठीक है? जब वस्तु कहाँ रखी है? जब वस्तु रखी है किस पे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है, कोई वस्तु ने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी, ठीक है? आप देखो एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ठीक है? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, थोड़ा फोकस हम इधर उधर कर लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट लाइन नहीं पड़ पा रही, इसी फोकस है ना, इधर कर सकते मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से आपते होगी, यहां से आपते होगी, ठीक है? कौन से? यहां से, परावर्तन के पश्चात क्या होगा? ये उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र की स्थिति थोड़ी सी चेंज कर ले रहे हैं यहां कर, ठीक है? ये थोड़ा और ये
जहाँ ये किरणें एक दूसरे के, ये किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, वक्र का केंद्र फोकस के बीच में, ठीक है। और ये थोड़ी सी स्क्रीन हो गई है, ये कोई किरण इस तरह से आ रही है और फिर परावर्तन के पश्चात ये यहाँ लौट गई, ये आई और ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से ये लौट गई, ठीक है। तो सीधे से सिंपल से डेरिवेशन नाम दे दो थोड़े से, एम एम डैश ये प्रतिबिंब था, ए वो वस्तु थी इसको नाम दो ओ ओ डैश, और ये प्रतिबिंब बना हमारा आई आई डैश, नाम दे दिए हमने सबके, ठीक है। अगर किरण के नाम देना चाहो तो दे सकते हो। अब हम सीधे से इसकी बात कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा और समझ लो एक बार और। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो, ये हमारा यहाँ इनफाइनाइट है और ये हमारा वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पे ये फोकस है हमारा, इसके और इसके बीच में ये कोई वस्तु रखी है ओ डैश, और ठीक है ये वस्तु रख दी। अब जो कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ये आई परावर्तन हुआ, ये मुख्य फोकस से होकर चलेगी, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से आपतित होती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ये वक्रता केंद्र सी से आई और उसी मार्ग में वापस लौट गई। तो हम बोल सकते हैं कॉन्केव मिरर में कि लेट्स एम एम डैश एक कॉन्केव मिरर है या एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी वक्रता केंद्र सी मुख्य फोकस एफ है, ठीक है। कोई वस्तु ओ ओ डैश अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी है, वस्तु से आने वाले मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से आपतित होती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जहां ये किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं इनका प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। ये देखो थोड़ी सी मैं यहाँ पे स्लाइड दे दूंगा, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, यहाँ पे आप पूरी इसकी डेरिवेशन जो है मैंने लिख दी है पूरी, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, ठीक है। ये हो गया हमारा जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो। अब चलो कॉन्केव मिरर ही रहने देंगे, अब थोड़ी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है थोड़ी पोजीशन चेंज कर लेते हैं।